मंगरोटी पंजाब के बिलकटान में शनिवार को न्यू तूफान क्लब की ओर से दो दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मंगरोटी पंजाब के मुखिया प्रतिनिधि दिलीप शर्मा एवं पूर्व मुखिया प्रकाश यादव के द्वारा फीता काटकर एवं फुटबॉल में किक मारकर किया गया। बताया गया कि इस फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। टूर्नामेंट का समापन 25 सितंबर को फाइनल मुकाबले के साथ किया जाएगा। न्यू तूफान क्लब के सदस्यों ने इस टूर्नामेंट में शामिल सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। मौके पर अध्यक्ष हीरालाल मुर्मू, सचिव संदीप चोरेन, कोषाध्यक्ष मुकेश यादव समेत अन्य लोग इस फुटबॉल टूर्नामेंट को सफल बनाने में लगे हुए थे। आज दो दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट न्यू तूफान स्पोर्टिंग क्लब बेलाटांड की ओर से रखा गया है, जिसका शुभ आरंभ हमारे उपस्थित यहां पर हैं मंगरोटी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिलीप मिस्त्री जी, यहां के पंचायत समिति सदस्य विकास कुमार यादव जी, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में जिस तरह अभी बॉल का हर जगह खेला जा रहा है, जिससे कि लड़का लोग को उत्साहित किया जा रहा है और उत्साहित करके आगे की ओर हम लोग प्रयास एक ठो रखते हैं कि यहाँ की लड़का राज्य लेवल तक अपना प्रदर्शन दिखाए, अच्छा करे और आगे बढ़े।